नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया गुरु पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। थाना पागबड़ा के ख्वाजा कॉलोनी में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसको लेकर थाना पागबड़ा में FIR दर्ज कराई गई थी। साथ ही नाबालिग लड़की की मां का यह भी कहना है कि ख्वाजा कॉलोनी में आरोपी नदीम के घर पर सेक्स रैकेट भी चलाया जाता था। इस मामले को विस्तार से दिखाते हुए हमने खबर चलाई थी। अगर वह खबर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर हमने उस खबर का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर पूरी खबर को देख सकते हैं। आज की खबर शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे उस हैवान का चेहरा जिसने नाबालिग लड़की को बनाया अपनी हवस का शिकार। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है मुख्य आरोपी नदीम जिसने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। नाबालिग लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस हैवान, इस दरिंदे नदीम पर उस लड़की के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ा। जी हाँ, यह वही हैवान है जिसने अपनी पत्नी की मदद से चंद पैसों के लिए एक नाबालिग बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने के लिए 6 लोगों के साथ मिलकर 6 दिन तक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के बाद नाबालिग लड़की और उसकी मां ने मुरादाबाद के कप्तान SSP बबलू कुमार के कार्यालय के सामने धरना देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने कहा था कि 14 मार्च तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह आश्वासन देकर नाबालिग लड़की और उसकी मां को घर भेज दिया था। लेकिन 14 मार्च तक भी मुख्य आरोपी नदीम और उसकी पत्नी फैज भी नहीं पकड़े गए, जिसको लेकर नाबालिग लड़की और उसके परिवार में रोष है और पूरा परिवार बेबस दिखाई दे रहा है। नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार केस की विवेचना कर रहे हैं थाना पागबड़ा के उप निरीक्षक उमाशंकर, और उप निरीक्षक उमाशंकर और टीम ने नदीम के नौकर राजीव पुत्र राम गोपाल निवासी कुरकावली थाना नशाखा संभल को 14 मार्च की रात्रि गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद 13 मार्च को न्यायालय में पेश करते हुए आरोपी राजीव को जेल भेज दिया गया। आपको यह भी बताते चले कि नदीम के नौकर राजीव ने 6 फरवरी को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार में जिन लोगों के नाम आए हैं वह है नदीम जो मुख्य आरोपी है, एक व्यक्ति जिसका नाम उस्मान है, एक डॉक्टर जिसका नाम पता अभी मालूम नहीं है, राजीव जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और एक अभियुक्त मुनासिफ है, और एक व्यक्ति अज्ञात है। यह वह लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सूत्रों की माने तो यह भी बताया जा रहा है कि इस रेप केस में और भी नाम खुल सकते हैं, या यूं कहिए कुछ बड़े नाम जो सफ़ेद कपड़ों की आड़ में अपने काले चेहरे को छुपाए बैठे हैं। और वहीं अगर बात करें कि थाना पागबड़ा पुलिस के द्वारा अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी नदीम के नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं इस मामले में SP City ने बताया, पागबड़े में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 14 तारीख को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या कार्रवाई है सर अभी तक? देखिए, इस संबंध में थाना पागबड़ा पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसमें जो पीड़िता है उसका मेडिकल कार्रवाई की गई थी, उसका 164 का बयान करवाया गया था, और जो अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उसमें से एक अभियुक्त की आज गिरफ्तारी हुई है और उसमें शेष अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि नाबालिग लड़की की मां ने यह साफ कर दिया है कि अगर मुख्य आरोपी जल्द ही नहीं पकड़े गए तो वह फिर से धरने पर बैठेंगी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगी। साथ ही नाबालिग लड़की की मां ने यह भी बताया कि उनको धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और फैसला करने पर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से नाबालिग लड़की की मां बेबस है और उन्हें आला अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। आप भी सुनिए क्या कहा नाबालिग लड़के की माँ ने। हाँ, मेरा ये कहना है क्या नाम है, बिल्कुल, जब हम 7 तारीख पर धरने पर बैठे थे, जो हमारी मदद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो पकड़ने को जा रहे हैं, और जो खास मुलजिम है 14 तारीख का वादा किया था तो उनको नहीं पकड़ रहे बिल्कुल भी। इसमें आपको क्या लगता है कि थाना पागबड़ा पुलिस द्वारा सही से कार्रवाई नहीं कर रही, सही से नहीं कर रही, हमें ये लग रहा था, और जब नहीं करेंगे कार्रवाई तो फिर हम धरने पर बैठ जाएंगे।
अच्छा जैसे 14 तारीख की बात हुई थी, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को नहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, बस एक को करा राजीव को। तो आप उच्च अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे? तो हम अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, और क्यों आज तक क्यों मुलजिम नहीं पकड़ के दिए? 14 तारीख के बाद समझ दिया था, तो 14 तारीख भी आज पूरी निकल गई। अच्छा, अगर 14 तारीख तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाते तो आपके द्वारा फिर क्या किया जाएगा? फिर हम धरने पे बैठ जाएंगे। हमारे पास जो है रोज धमकियाँ आ रही हैं, और हम अपना घर छोड़ने से भी मजबूर हैं, और हमने इस में 15 दिन में वो 3 कमरे बदल दिए। वो कह रहा है थाना खरीद लिया हमने पूरा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हमारे पास ये कह रहा है कि 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तो हमें पैसों का लालच दे कर, और कह रहा है तुमने नहीं लिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए अपना घर छोड़ने से मजबूर हो गया। इस मामले में नाबालिग लड़की के वकील ने यह साफ कर दिया है कि अगर नाबालिग लड़की को इंसाफ नहीं मिला और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना जारी रहेगा। साथ ही नाबालिग लड़की के वकील ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि जिन आरोपियों को पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको तो पुलिस पकड़ नहीं रही है, जबकि जो लोग नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़की की मां का साथ दे रहे हैं उनके ऊपर झूठे केस में पुलिस उन्हीं पर दबाव बना रही है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नाबालिग लड़की के वकील ने बताया, देखिए ख्वाजा कॉलोनी की जो घटना है उस पर पीड़िता पर लगातार जो दबाव बनाने वाले हैं, बदमाश हैं, वो दबाव बना रहे हैं समझौता का। कल भी गए थे दो जने और लगातार इनको मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले में आज तक का समय, शाम तक का समय हमसे जो है SPRA जी ने मांगा था, आज शाम तक 14 मार्च तक का समय हमें मांगा था, और यदि 14 तारीख तक किसी मुलजिम की भी नदीम फैजवी उस्मान आदि की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आज के बाद पीड़ित परिवार के साथ पुणे यहां धरना प्रदर्शन करेंगे। पीड़ित परिवार को इतना दबाया जा रहा है, ये पागवड़ा अपना निवास स्थान भी छोड़ने को मजबूर है, पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाना पागबड़े के ख्वाजा कॉलोनी में हुए इस रेप केस ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल लगातार पागबड़ा पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि क्यों अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नाबालिग लड़की और उसके परिवार पर लगातार आरोपियों के बदमाशों द्वारा धमकी दी जा रही है। नाबालिग लड़की और उसका परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिले। और यह सही भी है, क्योंकि अगर इस तरह के आरोपियों को सजा नहीं होती है तो जरा सोचिए जो लोग ऐसा करने की सोचते हैं उनके इरादे इतने बुलंद हो जाएंगे कि उनको फिर रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। और हम इस खबर के जरिए जनता को सतर्क करना चाहते हैं कि वह भी अपने परिवार का खास ध्यान रखें, क्योंकि इंसानों की शक्ल में दरिंदे आसपास ही घूम रहे हैं जिनको पहचान पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर में, और आगे भी इस खबर में क्या हो रहा है वह भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.